बलद और तिजारा से भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ योगी का कहना है कि क्षेत्र में क्राइम को कंट्रोल रखना उनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। साथ ही भिवाड़ी का नोएडा और गुड़गांव की तर्ज पर विकास करवाया जाएगा। A1 टीवी से बातचीत में महंत बालकनाथ ने कहा कि जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है। यहां भी सनातन धर्म का झंडा बुलंद होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई और अलवर में भी लगभग भाजपा और कांग्रेस की ओर से अपने प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। मुख्य चुनाव रहेगा अलवर में तिजारा से, जहां पर सांसद महंत बालकनाथ योगी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पिछले कई दिनों से महाराज जी तिजारा में आ चुके हैं और किस तरह का प्रचार चल रहा है महाराज? प्रचार बहुत सुंदर अच्छा चल रहा है, लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। गाँव में जाते तो ऐसा महसूस होता है कि लोग जैसे कि इंतजार में बैठे हैं और लोगों का सम्मान है, हमारे पिता की जनता का सम्मान है और पूरा लोगों में एक विश्वास और नई उम्मीद है कि तिजारा को अब आगे विकास में अच्छी गति मिलेगी। महाराज, तिजारा का नाम जो क्राइम में काफ़ी आता था कांग्रेस के समय, गोकशी का मामला हो, ठगी का मामला हो, तो काफ़ी जनता यहाँ से परेशान थी, आप चाहने से एक उम्मीद बन रही है तो? बिल्कुल, देखो क्राइम का कोई नामो निशान नहीं रहेगा यहाँ पर, और जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आम जनता के अंदर विश्वास और पूरी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी हर विषय पर। हरियाणा समीप है, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो किस तरह का माहौल यहाँ रहेगा पूरा सनातन धर्म के लिए? देखिए, सनातन धर्म का माहौल तो पूरे देश भर में है ही। सनातन धर्म तो एक मानव जाति की मूल परंपरा है और सबके कल्याण की भावना, सबको स्वीकारिता की भावना, सबके उत्थान की भावना सनातन धर्म में है। उसी भाव से सभी जाति धर्म के लोगों को मानने वाले लोगों का सम्मान होगा और नागरिकों के सम्मान के साथ में तिजारा आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि असामाजिक तत्व जो अलग अलग घटनाओं से जुड़े, चोरी की घटनाएं हैं, गौ तस्करी की घटनाएं हैं या अन्य प्रकार से समाज विशेष के कुछ ऐसे आपराधिक छवि के लोग जो समय समय पर ऐसी घटनाएं कर समाज का आपस का जो भाईचारा को तोड़ने का जो कार्य करते हैं, अब उनकी कमर हम तोड़ेंगे। एक महाराज जी, वीडियो कल का आपका वायरल हो रहा है कि 100 वोट हैं तो 110 वोट डालो, आपका ये था कि मतदान अधिक से अधिक करो, लेकिन विपक्ष के लोग इसको बूथ कैप्टन को लेकर कहें। अरे, इस नए भारत में EVM के ज़माने में इतने चुनाव आयोग की पूरी टीम रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है बूथ कैप्टन की, ऐसी कोई घटना होती नहीं है। ये तो केवल इसलिए लोगों का प्रोत्साहन बढ़े, लोग वोट करने निकले बाहर, उसी भाव से लोग भी समझते हैं इस बात को। विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ करना, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। ये छोटी मोटी बातें जो अंडरस्टूड है उन बातों पर खामखा की बातें करने का अपने समय बर्बाद मत करो, अब तो अपना प्लान का रास्ता सही करो कि किधर से बाहर निकलोगे राजस्थान से। अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो तिजारा में क्या क्या विकास कार्य? देखिए, विकास सर्वव्यापी और सर्वसपर्शी विकास होगा। विकास का कोई पैमाना नहीं होता, विकास तो एक ऐसा चक्र है कि जिसको जितना करो उतना ही कम है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि तिजारा के गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छा काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम हो और भिवाड़ी जैसे औद्योगिक नगरी है, भिवाड़ी के अंदर भी वर्ल्ड क्लास लेवल का कार्य हो ताकि वहाँ का प्रदूषण, वहाँ की साफ सफाई, वहाँ की सीवरेज ड्रेनेज की व्यवस्था, वहाँ की रोड कनेक्टिविटी, हर स्तर पर पूरा एक प्लान बनाकर उस पर काम किया जाएगा। धन्यवाद। सांसद महंत बालकनाथ योगी, जिन्होंने कहा था कि तिजारा का निश्चित रूप से विकास करेंगे और जो भी यहाँ पर क्रिमिनल अपराध होते थे अब नहीं हो पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद निश्चित रूप से विकास होगा और आम जन को इसका लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन राज के साथ में तिजारा से चंद्र